मैं डॉक्टर रजनीत कुमार यादव, हमारा चैनल TVS स्टडी सर्किल में आपका लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए अभी मैं GS में हिस्ट्री की क्लास ले रहा था, आज मैं ज्योग्राफी में नक्शा हर एग्जाम में आता है तो आज नक्शा की शुरुआत कर रहा हूँ। नक्शा एक दिन का नहीं, कई 5-7 दिन 8 दिन चलेगा, तो आज थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर नक्शा बनाऊँगा और बना के बताऊँगा कि नक्शा की अगर आपको अच्छी जानकारी होगी तो 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में, कोई सा एग्जाम करूँगा, आपको अवश्य मिल जाएगा। यदि आप पढ़ते भी नहीं हो तो भारत के नागरिक हो, तो सभ्य नागरिक होने के नाते आपको अपने देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है। जिसे अपने देश की कल्चर नहीं मालूम, जिसे अपने देश की देश का इतिहास नहीं मालूम, देश की भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम, देश के वर्तमान नहीं मालूम, देश के नॉर्म नहीं मालूम, वो क्या भारत का नागरिक है, वो क्या इंसान है, आप बताइए। वो तो पशुओं की भांति है। तो पढ़ाई का संबंध केवल व्यवसाय ही नहीं है, पढ़ाई का संबंध जीने का एक तरीका भी आदमी को आ जाता है, वो आदमी अलग प्रकार से हो जाता है, कुछ जान जाता है। हम कुछ जानते हैं इसलिए तो पशुओं से भिन्न है। मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के पास एक बुद्धि है, ज्ञान है, विद्या ज्ञान को ही बढ़ाती है, विकसित करती है। तो विद्या देने का मतलब हो गया कि हम जो हैं उससे और ज्यादा जान जाए और अच्छाइयों की तरफ चलने लगे। व्यवसाय उसका एक पार्ट हो सकता है, मंजिल नहीं। विद्या की मंजिल व्यवसाय कभी नहीं, विद्या का एक पार्ट में आ सकती है व्यवसाय ट्रेडिशन, लेकिन मंजिल तो अलग चीज है, हजारों आयाम उसके। तो देखिए ध्यान दे, मैं नक्शा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, पहले भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हमारा जो देश है वो उसका नाम बहुत बार बदला गया, बहुत बार बदला गया। ज्ञात तथ्यों से ये विदित होता है कि भारत का प्राचीन नाम, हो सकता है उससे पहले भी कोई नाम रहा हो लेकिन उसके तथ्य भी ज्ञात नहीं हो पाए हों। बौद्ध निकाय और अन्य सूत्रों से पता लगता है कि भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप था। जम्मू माने जामन, और द्वीप इसलिए कि इसके चारों ओर पानी था। तो ये जम्बूद्वीप था तो उसमें बहुत सारे देश लगे हुए थे, मलाया है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, मालदीप है, श्रीलंका भी इसी पोर्शन में आ जाता था, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान तो अभी हुआ, बांग्लादेश तो अभी हुए, तो कई देश, 10-12 देशों का एक समूह था, एक टापू था जिसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। आज भी ब्राह्मण या कोई पंडित जो कथा करता है वो पढ़वाता है तो उसमें आता है जम्बूद्वीप भरत खंड। तब जम्बूद्वीप भरत खंड, जम्बूद्वीप का एक भारत नाम का खंड है, पहले पूरे द्वीप का नाम ही जम्बूद्वीप था, जो सबसे प्राचीन नाम हो गया जम्बूद्वीप, फिर बदला गया उसका नाम। कुछ श्रेष्ठ जातियां, कुछ लोग कहते हैं भारत में मूलर ये कहता है मध्य एशिया से आए चारे की खोज में, कुछ कहता है स्थायी बसने के लिए यहां पर, वो एक श्रेष्ठ जाति थी जिन्हें आर कहा गया, तो आर यहां भवतार में रहते थे। ये वैसे द्रविड़ों का देश माना गया कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ कहते हैं कि आर यहीं के रहने वाले थे, तो इसका नाम आर्यावर्त हो गया, यानी जम्बूद्वीप इसका नाम पड़ा। जम्बूद्वीप आर्यावर्त उसके बाद इसका नाम हिमवर्त हो गया, एक राजा हिम थे। भारत में जो राजा चक्रवर्ती हुआ है उसने अपने नाम पर अपने देश का नाम भी बदल दिया, देखा हेमते उनके नाम पर हिमवर्त हो गया। कुछ लोगों की ये भी मानता है कि हिमालय से देश पूरा आच्छादित था इसलिए इसका नाम हिमवर्त हो गया। उसके बाद एक राजा आज हुए, उन्होंने वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनके नाम पर देश का नाम अजनाहवर्त हो गया। अजनावर्त हो गया, फिर दुष्यंत के पुत्र व्रत, दो मान्यता है भारत के बारे में, भारत
जो नाम पड़ा देश का नाम भारत, इसकी दो मान्यता है, एक शकुंतला शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र। इन दोनों का एक पुत्र था भरत, इन दोनों का दुष्यंत कौन थे, चंद्रवंती सम्राट थे, शकुंतला से प्रेम विवाह किया था उन्होंने, उनके संतान हुई थी जिसमें 100 शेरों का बल था, उसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन एक मानता और है, वो क्या मानता है, वो जड़ भरत के पुत्र भगवान ऋषभदेव, भगवान अजनावर्ष के बाद क्या एक चंद्रबंदी राजा हुए दुष्यंत, जिन्होंने मेनका की पुत्री शकुंतला से प्रेम विवाह किया और उससे पुत्र पैदा हुआ जिसमें 100 शेरों के समान बल था, उसका नाम भरत था। उस चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन वर्तमान में जो अब जो प्रबल मान्यता है वो ये मानी जा रही, भागवत में लिखा है भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान ऋषभदेव, वो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, जिनके सब पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जड़ भरत था, उस जड़ भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वो जड़ भरत ने अपने 100 अयोग्य पुत्रों को नकार दिया और भरद्वाज के पुत्र भुवनी को राय दिया था, वो एक अच्छे राजा थे, इसलिए देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो एक देश का नाम भारत या भारतवर्ष भी कहते हैं, भारत या भारतवर्ष। फिर का नाम हिंदुस्तान भी पड़ा और इंडिया भी नाम है, हमारे संविधान में लिखा है भारत भारत हिंदुस्तान, भारत अर्थात इंडिया। एक नाम उसका हिंदुस्तान रह गया, एक नाम उसका इंडिया भी है। देखिए विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है हिंद महासागर के उत्तर में जो देश अवस्थित है, जिसकी ऊंची ऊंची बर्फ की ढकी हुई चोटियां इसे आच्छादित करती हैं, जिसे हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं, उसे ढके हुए देश का नाम हिंदुस्तान है, ये विष्णु पुराण में उल्लेख है। लेकिन इतिहासकारों की यह मानता है कि भारत में सबसे पहले जो आक्रांता आए वो आए ईरानी, फारसी धर्म के मानने वाले, तो ईरानियों ने हमारे देश पर सबसे पहले आक्रमण किया। पहला आक्रांता साइरस आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार आईएफपी से पूछा गया है। भारत का पहला आक्रांता तो साइरस, क्या नाम था उसका, आक्रांता का नाम था साइरस, प्रथम आक्रांता कौन था साइरस, कहां का रहने वाला था, ईरान का, पारसी भी कहते हैं उसे, फारसी भी कहते हैं उसे, तो फारस देश, तो उसका आक्रांता पहला कौन था, या ईरानी या ईरान देश का, उसका नाम था साइरस। वो 538 आते भी 588 वर्ष पहले आया था, उसने भारत में पहले सबसे पहले आक्रमण किया था। तो भारत में जो पहले पहले आक्रांता आए वो ईरानी थे। अब भारत में एक बड़ी नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम सिंध, भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ी है, सिंध। तो उन आक्रांताओं को उत्तरी तरफ से वो आए तो उन्हें सबसे पहली बड़ी जो नदी मिली उसका नाम था सिंध। सिंधु को वो हिंदू कहते हैं, सिंधु को क्या कहते हैं, वो सिंधु पारसी में सा को हा और धा को धा पढ़ते हैं हिंदू। तो सिंधु नदी को वो हिंदू कहते थे
और हिंद से बना हिंद, क्या बना हिंद, और हिंद से बना हिंदुस्तान। इस प्रकार से ये नया नाम हिंदुस्तान पड़ गया। फिर जानिए इस बात को कि भारत में जो सबसे पहले आक्रांत आए वो पारसी लोग आए थे, फारस देश से आए थे, ईरान देश से आए थे। प्रथम आक्रांत था साइरस था जो 588 BC में आया था। तो ईरानी लोग जो भारत में आए उन्हें भारत में जिस बड़ी नदी के विशाल नदी के दर्शन हुए उस नदी को सिंधु के नाम से जाना जाता है। और फारसी में सा को हा और धा को दा पढ़ाया जाता था। सिंधु को वो हिंदू कहते थे, हिंद से हिंद बना। और हिंद शब्द से आगे कालांतर में इसी को कहने लगे हिंदुस्तान। इस प्रकार से हमारे देश का एक नया नाम भी पड़ गया है हिंदुस्तान। और यहीं से हमारे देश की में जो भाषा है वो हिंदी पड़ी, भाषा का नाम भी पड़ा हिंदी और देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। अब आता इंडिया। तो देखिए इंडिया ये ग्रीक है, इंडिया क्या था ग्रीक भाषा का शब्द है। सिंधु नदी को वो इंद नदी कहते थे, क्या कहते थे सिंधु को इंद, सा को इ और झा को दू, तो सिंधु से इंद, इंद से बना इंद, इंद और इंद से बना इंडिया। इंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रीक अंग्रेजी में इंडस, ग्रीक अंग्रेजी में कहते थे इंडस, इंडस वैली भी आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु से हिंदू, हिंदू से इंद, इंद से बना इंडिया। तो एक देश का नाम हमारा ये भी हो गया इंडिया। तो भारत के कितने नाम है, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिमवर्त, अजनावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। ये भारत के कालांतर में नाम बदलते गए का वर्तमान समय में ये है भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। इसमें 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी कुछ साल पहले 29 प्रदेश थे, अब 2 प्रदेशों को, एक प्रदेश को काट के उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 29 की जगह प्रदेश तो 28 रह गए, केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, एक की वृद्धि हो गई 2 हो गए। तो जम्मू कश्मीर के प्रदेश था उसे 2 भागों में काट दिया गया, एक जो पहाड़ी और बर्फीला हिस्सा था वो अलग हो गया और एक जो मैदानी आबादी वाला भाग था वो अलग हो गया। इस प्रकार से 28 प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं फिर से सारे आपको भारत की 22 भाषा भी, 22 भाषा भारत में बोली जाती, मान्यता प्राप्त भाषा भारत में 22 है। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 17 भाग में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है। प्रदेशों से मैं आपको याद करवा दूंगा एक बार बोला के। अब 22 प्रदेशों को भारत का आकार कैसा है, त्रिभुज आकार, भारत त्रिभुज की जैसा आकार उसका। उसके 3 तरफ पानी है, जल है और एक तरफ स्थल है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी देश भी है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी देश है। प्रायद्वीप से कहते हैं इसके 3 तरफ पानी हो, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। उत्तर में पानी नहीं है, वो पहाड़ी इलाका। अब देखिए भारत में जो पूरब है उसके भी पूर्व उत्तर एक किलाव सा बना हुआ है जिसको तोड़ करके आज 7 हिस्सों बांट दिया गया है। उसे हम पूरब की 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, पूरब की 7 बहनें। मैं आज वहां से स्टार्ट करता हूं। तो वर्तमान समय में उसके 7 भाग कर दिए गए, क्या असम पहला भाग, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उससे थोड़ा नीचे उतर के आएंगे अरुणाचल से तो आएगा नागालैंड, नागालैंड से नीचे उतर के आए तो मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम और फिर मेघालय। तो देखिए असम पहले एक ही प्रदेश था असम, उसे प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जानते थे, लेखपाली में क्वेश्चन आया था, लेखपाली में पहले क्वेश्चन आया था।
कि होलिका का पति वर्ष का महाभारत में आया है। भगदत्त कहाँ का शासक था? प्राग ज्योतिषपुर का शासक था। झांझी कहाँ के रहने वाली थी? प्राग ज्योतिषपुर की रहने वाली थी। झांझी किसकी पुत्री थी? नरकासुर नामक राक्षस जो पृथ्वी का पुत्र था उसकी पुत्री थी। पुत्री थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारकर उसके पुत्र भगदत्त को शासक बनाया था, वो प्राग ज्योतिषपुर का शासक था। होलिका का पति विप्रचित प्राग ज्योतिषपुर का शासक था, तब उसका नाम कामरूप भी था। वर्तमान में थे वो जटारी के नाम से जानते हैं। तो पूरा प्रदेश ये प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। समय बदलता गया, फिर उसका नाम असम हो गया। असम अमाने नहीं, सम्माने समान, जो आकार में टेढ़ा बगचा है, समान नहीं है, ऐसे प्रदेश का नाम असम रखा गया। भारत में सबसे पहले तेल का कुआं डिब्रूगढ़ जिले में सबसे पहले यही पाया गया। पहला डिब्रूगढ़, फिर माकुम, सबसे पहले तेल यही खोजा गया। यहां पर उल्फा नाम की जनजाति रहती है, जो अपना एक अलग भूभाग, अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। यहाँ लंबी लंबी घासें और जंगली इलाका है। भगवान शिव भोलेनाथ का शास्त्र उल्लेख आता है, एक ज्योतिर्लिंग भी है जिसे भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। कजरी वन, यहीं पर कजरी वन है जिसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क रखा गया। आला उदल पृथ्वीराज चौहान के जमाने में यहाँ एक भयंकर जंगल था। हदिनी अपने बच्चों को यही जन्म देती थी। इसी के डेल्टा सुंदरवन में, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों रखा गया? कि सुंदरी के वृक्षों की बहुतायत है वहां पर। डेल्टा क्या होता है? यहाँ दो नदियां मिलती हैं, उनसे त्रिभुजाकार आकृति बनती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से यहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, मांझली द्वीप, मांझली के नाम से जिसे जाना जाता, नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे हम मांझली नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। यह कजरी वन प्रारंभ में था, हमने अधिनी अपने बच्चों को यही जन्म देती थी। आला उदल इसी कजरी वन में अंतिम समय में चले गए थे। इस कजरी वन का नाम बदल के अब रख दिया गया काजी रंगा नेशनल पार्क। यह काजी रंगा नेशनल पार्क एकमात्र भारत का ऐसा स्थल है जहाँ गैंडे पाए जाते हैं। ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी जितपुर, यहाँ की राजधानी क्या जितपुर है। यह जंगली जातियां भी बहुत में रहती हैं, ये वनों की बहुत आयत है। अब इसको काट के सात प्रांतों बदल लिया गया। इन सातों प्रांतों को हम पूर्व की सात बहनों के नाम से जानते हैं। कल अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।